शिवराज कैबिनेट की चल रही बैठक में जोखिम भुगत रही बिजली कंपनियों को 14,500 करोड़ रुपए का अनुदान देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है। पिछले वर्ष की दीपावली की तरह इस वर्ष भी कर्मचारियों के लिए होने वाली त्यौहार अग्रिम योजना को इस साल भी मंजूरी दी जा सकती है। उपभोक्ताओं के लिए 2013-14 में लागू फ्लैट रेट योजना में तय दर से कम पर बिजली देने पर बिजली वितरक कंपनियों को 9,773 करोड़ एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना से होने वाले जोखिम को कम करने के लिए 4,945 का अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया। आज कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया वह विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो सब्सिडी टैरिफ आदेशों के लागू के विद्युत दरों में जो सब्सिडी दी जाती है उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मैं यहां यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि ये वो सब्सिडी है जो 5 हॉर्स पावर के पंप पर किसान को 51,000 रुपया देना चाहिए, सरकार सब्सिडी देती है और वह किसान कुल 3,500 रुपये जमा करता है, मतलब 47,500 रुपया सरकार किसान की तरफ से जमा करती है। इसी तरह से 10 हॉर्स पावर की जो होती है किसान का पंप, इस पर 1,00,000 रुपए के लगभग सरकार जमा करती है, किसान को लगभग ना के बराबर पैसा लिया जाता है। यहां यह भी कहना मैं पुनः प्रासंगिक समझूंगा कि 98,00,000 उपभोक्ता मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, 98,00,000 परिवार के जिन्हें 100 रुपया महीना बिजली का बिल जिनसे लिया जाता है, जबकि वह 1 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से 543 की जगह 100 रुपया लिया जाता है, और यह 21,000 करोड़ रुपया दोनों का मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार वहन करती है। इसी तरह आगामी वर्षों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार द्वारा बिजली कंपनियों को अनुदान दिया जाता रहेगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही ऊर्जा विभाग द्वारा जल्द से जल्द कंपनियों को अनुदान दे दिया जाएगा। प्रस्तावों पर चर्चा शुरू होने से पहले शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली मुलाकात की भी जानकारी दी। मीटिंग में प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी में किए प्रयासों, वैक्सीन और तीसरी लहर से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी लेंगे।